गुड मॉर्निंग गाइस, सब कुछ सेट है तो आवाज क्लियर आ रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग। फटाफट तो बस तुम मुझे बस क्लियर या थम्स अप दे दो, मैं समझ जाऊंगी, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं अच्छे से। संसद अभी दो चार दिन और चलेगी, इसमें अभी हमारा जैसे आज आज और कल में हम जितने भी इम्पोर्टेंट प्रस्ताव टाइप के होते हैं ना, जैसे धन्यवाद, निंदा, स्थानापन्न, स्थगन, सदन की भाषा, ये सारी चीजें निपटाएंगे। फिर सामान्य विधायी प्रोसेस होती है, धन विधेयक की प्रोसेस होती है, तो ये सारी चीजें हम समझ लेंगे तो हमारा एक लंबा चौड़ा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगी आप लोगों को कि जैसे ही हम संसद पढ़ते हैं ना, विधानमंडल हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि विधानमंडल की लगभग प्रोसेस, नियम, उपनियम लगभग इक्वल ही होते हैं, कुछ एक डिफरेंस होते हैं जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते जाना है। वेरी गुड मॉर्निंग हरेंद्र। प्लस पे मैं जल्दी ही लेके आने वाली हूँ, मैं हिस्ट्री ऑप्शनल लेके आने वाली हूँ प्लस पे। इसके अलावा आईआर को मैं बिल्कुल करंट से, एकदम करंट से एड ऑन करके लेके आने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आज एन अकेडमी देश भर में यूपीएससी सीएससी के क्षेत्र में सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। अन अकेडमी पे देश के सबसे बड़े एडुकेटर्स पढ़ाते हैं। दोस्तों, मैं ललिता, मुझे यूपीएससी के साथ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 7 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। जहां तक बात की जाए सिविल सेवाओं के क्षेत्र में मेरे अनुभव की, तो मुझे आईएएस के साथ अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है। मुझे इंटरव्यूज का अनुभव है। मैंने अपना एमए पोल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है और यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। मेरा वैकल्पिक विषय, मेरा ऑप्शनल, चाहे आईएएस का मेन्स हो या फिर पीसीएस के मेन्स हो, मेरा हमेशा से ही हिस्ट्री रहा है, इतिहास रहा है। इसके अलावा दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, unacademy_lalita_kumari। यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, unacademy_lalita_kumari। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, शेड्यूल, चाहे वो स्पेशल पे हो या यूट्यूब पे हो, आपको यहीं पे मिल जाएंगे। पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये मेरा अनअकैडमी ऐप का प्रोफाइल लिंक है, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, 4-in-1 ऑफर चल ही रहा है। यदि आप एक या उससे साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 ऑफर चल रहे हैं, जिसमें आपको 10,000 की वर्थ की बुक्स मिलेंगी, जो कि बहुत ही शानदार बुक्स हैं, आपकी प्रिपरेशन में एक मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। अन अकेडमी की तरफ से मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, यानी कि 1 साल की फीस में आपको 3 से 4 महीने अतिरिक्त पढ़ने का मौका मिलेगा। लोन की सुविधा चली रही है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और 10% डिस्काउंट मेरे कोड के साथ, यानी यदि आप ललिता वाई टी कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आपके सिलेक्शन तक मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलेगा, चाहे पीटी हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी, 1 subscription to Crack It All ऑफर चल रहा है, 25% 10% का कॉम्बो में। यदि आप जीएस को ऑप्शनल के साथ कॉम्बो का प्लान ले लेते हैं 1 साल या 2 साल का, तो आपको 25% 10% का ऑफर मिलेगा। 10% मेरे कोड यानी ललिता वाई टी कोड का प्रयोग करने पर तो बहुत ही बेहतरीन मौका है दोस्तों। 12 मई तक ये ऑफर है। जिस भी स्टूडेंट को एक तरीके से सब्सक्रिप्शन लेना है, ये बेस्ट ऑफर है, क्योंकि अकेले ना तो केवल जीएस, ना केवल ऑप्शनल से आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, आपको दोनों में बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। तो दोनों की तैयारी आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। मेरा कोड भूलना नहीं है, ललिता वाई टी। ठीक है, इंडियाज बिगेस्ट प्रोग्राम टू क्रैक यूपीएससी, ये 100 सीट है, लिमिटेड, वीकली 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग चल रही है। बेसिकली इसमें भी आप, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्लस और आइकॉनिक, दो तरीके का सब्सक्रिप्शन होता है दोस्तों। प्लस सब्सक्रिप्शन आप 6 महीने से लेके 3 साल तक का ले सकते हो। यहाँ पे भी यदि आप ललिता वाई टी कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 साल से 3 साल तक का ले सकते हो दोस्तों। यहाँ पे भी मेरा कोड यूज करना ना भूले, 10% डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, यानी पूरी आपकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन, एक मार्गदर्शक आपका मार्गदर्शन करते हैं मेरे अलावा।
ठीक है, यदि आप मेरे कोड का प्रयोग करके आएंगे तो मेरा मार्गदर्शन आपको आपके सिलेक्शन तक मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी, बहुत सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं 12 मई से, 1 ईयर बैच, 2 ईयर बैच, एनसीईआरटी बैचेस। यदि आप मेरे कोड के साथ, ललिता वाईटी कोड के साथ आते हैं तो मेरी क्लासेस के साथ आपका जो एक्सेस होगा वो हर बैच तक होगा। फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, अनलॉक कर सकते हैं ललिता वाईटी कोड के साथ। इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट कॉम्बैट का आयोजन हर संडे को होता है। आप ये देखिए, फर्स्ट 3 रैंकर्स को 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। जो 4 से 10 रैंक होगी उनको 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। 11 से 50 जो रैंकर्स हैं 55% और 51 से 500 तक 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन मौका है दोस्तों, ये हिंदी में भी उपलब्ध होता है, एनरोल करा लेना है और मेरे कोड यानी ललिता वाईटी कोड के साथ एनरोल करा लेना है। बाकी मैं आशा करती हूँ कि जो हम सब, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल क्लास शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। ये बताइए कि संसद जितना भी मैंने पढ़ाया है उसके क्वेश्चन भी मैंने कराए और मेरे जो आकलन था उस पे आप लोग खरे उतरे, काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिए थे। मैंने फ्राइडे को संसद के क्वेश्चन कराए थे, मैं कल फिर से क्वेश्चन लेके आऊंगी संसद के। आज मेरी टीम नहीं थी, मैं आज भी ऐड कराने वाली थी, मैं कल फिर से संसद के क्वेश्चन लेके आऊंगी टॉपिक के साथ। पीछे 10-15 क्वेश्चन होंगे, बस मुझे ये बता दो रिवाइज कर रहे हो ना समय पे, बस मुझे ये बता दो। पीयूष टेलीग्राम चैनल पे जब आप unacademy_lalita_kumari पे ऐसे क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी वहीं पे, ठीक है पीयूष। रिवाइज कर रहे हो ना, वेरी गुड। ये हुई बात, नहीं, चैप्टर बहुत लंबा है, संसद इतना आसान नहीं है। संसद में हमें, मतलब ये मानो ना, सारी विधायी प्रक्रियाएं, सारे प्रस्ताव, एक एक चीज को हमें बहुत बारीकी से पढ़ना होता है। क्वेश्चन छोटी सी बात पे आ जाता है ना, तो थोड़ा सा धीरे धीरे शांति से पढ़ रहे हैं। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ सदन में नेता, फिर से एक बार हमें ये दो चीजें हम रिवाइज करेंगे, सदन में नेता और विपक्ष का नेता, क्योंकि आज की क्लास यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, सदन में नेता कौन होता है? लोकसभा के नियमों के तहत जो सदन का नेता से अभिप्राय होता है प्रधानमंत्री। यूजुअली सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। जैसे लोकसभा का नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री। लेकिन यदि ऐसी सिचुएशन हो जब प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य ही ना हो, राज्यसभा का सदस्य हो, तो ऐसी सिचुएशन में प्रधानमंत्री अपने द्वारा मनोनीत किसी मंत्री को, जो कि लोकसभा का सदस्य होगा, उसको सदन के नेता के तौर पर मनोनीत कर सकते हैं। यहां से पीटी का क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि अनिवार्य तौर पे सदन का नेता यानी कि लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री ही होगा। अनिवार्य तौर पे लोकसभा का जो नेता होता है, सदन का नेता, प्रधानमंत्री ही होंगे। क्या मैंने सही बोला कि गलत बोला? फटाफट, अनिवार्य तौर पर, वेरी गुड, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री होते हैं सामान्य सिचुएशन में, लेकिन यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं तो फिर प्रधानमंत्री द्वारा कोई मनोनीत जो मंत्री होता है वो सदन का नेता हो जाता है। सेम सिचुएशन में राज्यसभा में होता है, राज्यसभा का भी एक सदन का नेता होता है, वह मंत्री होता है, और राज्यसभा का सदस्य भी जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाए, मतलब सदन का नेता होता है, कोई ऐसी पोस्ट होती है, ध्यान रख लेना। अब विपक्ष का नेता, इसे हम एक बार समझ लेंगे, क्या है मतलब विपक्ष का नेता। संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है, ध्यान रख लेना। लोकसभा में भी विपक्ष का नेता होगा, राज्यसभा में भी विपक्ष का नेता होगा। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के कुल सदस्य संख्या के 10वें हिस्से के करीब होने चाहिए। इसका मतलब हमें समझना है, ये IAS में पूछा है 2017-18 के आसपास। देखो कितने सदस्य, मान लो लोकसभा के 550 सदस्य है, 550 की 1/10 सीटें उस दल को अनिवार्य तौर पे मिलनी चाहिए, तभी वो दल विपक्ष का नेता होने की जो अनिवार्यता है उसको पूरा करेगा। यानी कि 55 सदस्य होने चाहिए, किसमें? लोकसभा में, समझ गए। और 250 सदस्य है, मान लो क्या 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, तो 1/10, यानी जिस पार्टी को
राज्यसभा की 50 सीटें मिल गई, वो राज्यसभा का विपक्ष का नेता हो सकता है, ठीक है। और लोकसभा में कम से कम मिलनी चाहिए 55 सीटें, तो वो लोकसभा का नेता हो जाएगा। 17 या 18 में एक क्वेश्चन पूछा था, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, आईएएस में पूछा था, उसमें क्या कर दिया था कि जिस पार्टी को कम से कम 75 सीटें नहीं मिलेंगी, 75 सीटें, वो विपक्ष का नेता नहीं हो सकता। तो क्या ये कथन सही था? 3 कथन थे जिसमें से एक कथन मैं बोल रही हूं, फटाफट बताओ। यदि किसी दल को 75 सीटें नहीं मिलेंगी तो वो विपक्ष का नेता नहीं हो सकता। तो नहीं, 83 नहीं था, 75 सीट्स था, ठीक है। तो वेरी गुड, बिल्कुल गलत होगा, हमें तुरंत कैलकुलेट कर लेना है। टोटल दल की सदस्य का 1/10 हिस्से की सीटें उसको मिलनी चाहिए, लोकसभा में 55 सीटें, राज्यसभा में 25 सीटें, ठीक है। यहां से एक आपका पीटी लिख लेना, पीटी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इतनी ही संख्या पर ही उसके नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिल जाती है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है पता है हमें, विपक्ष के नेता का मुख्य काम क्या होता है? विपक्ष का काम क्या होता है यार? सरकार की आलोचना करना, उचित आलोचना करना और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। मान लो सरकार गिर जाए, सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो फिर व्यवस्थित जो वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था कौन करेगा? विपक्षी करेगा ना। तो उचित आलोचना करना और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना, इसलिए लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता को बाद में महत्ता मिली। ये याद रखने की जरूरत नहीं है 77 में, बेसिकली हमें ये ध्यान रख लेना है 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी। इसी तरह कार्य करने वाले को अमेरिका में अल्पसंख्यक नेता कहते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है दोस्तों, जो विपक्ष का नेता होता है, लीडर होता है विपक्ष का, उसको जितने भी वेतन हैं, भत्ते हैं, सुविधाएं हैं, सब कैबिनेट मंत्री की तरह होती हैं। पीटी लिख लेना। इस पूरी स्लाइड में 3-4 बातें ध्यान रखनी है कि भाई विपक्ष के नेता के वेतन, भत्ते, सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की भांति होते हैं। 1969 के आसपास, ये 1969 होना चाहिए, यहाँ पे मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी, 1969 के आसपास विपक्ष के नेता को मान्यता मिली और 1/10 सीटें उसकी उस सदन में होनी चाहिए, तभी हम विपक्ष के नेता की मान्यता उसको देंगे, ठीक है। वेरी गुड मैम, संसद, एक बार क्या बोल रहे हो मैम, संसद का नेता, एम आपका क्वेश्चन नहीं, अच्छा संसद का नेता, संसद नहीं, वो सदन का नेता होता है, सदन। लोकसभा का कोई नेता होगा ना भाई, मान लो अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है। बस हमें ये ध्यान रख लेना है छोटी सी चीजें कि भाई सदन का नेता अनिवार्य तौर पे प्रधानमंत्री होता है, तो वो गलत हो जाएगा। मान लो प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होगा तो फिर सदन का नेता कोई मंत्री भी हो सकता है जिसको प्रधानमंत्री मनोनीत करता है, ठीक है। एम क्रैकर, ठीक है, 1965 ही हो सकता है, देख लेना एक बार, 1969 या 1965, कल मैं बता दूंगी। अब देखते हैं, यहाँ पे हम विपक्ष की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में एक अनोखी संस्था होती है जिसे शेडो कैबिनेट कहा जाता है। जब हम भारत और यूके की संसदीय प्रणालियों की तुलना करके पढ़ते हैं, मैं मेंस में जब पढ़ाऊंगी, मेंस में पॉलिटी के जो सेकेंड पेपर है उसी में एक पूरा टॉपिक है विश्व की अन्य देशों के संविधानों के साथ तुलना, तो हम यूके, कनाडा, अमेरिका, ठीक है, इसके अलावा और भी कई देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन देशों से हम तुलना करके पढ़ते हैं। तो एक सबसे बड़ी तुलना भारतीय, भारत ने अपनी संसदीय प्रणाली, जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उस पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम को कहां से लिया है बताओ फटाफट। यूके से लिया है, एक, यूएसए से लिया है, दो, कनाडा से लिया है, तीन, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, चार, बताओ। यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, 1, 2, 3, 4, वेरी गुड, ये बीच बीच में पता होना चाहिए। तो यूके से लिया है, तो भाई हमने अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया तो ये क्वेश्चन दे देगा कि हमने पूर्ण रूप से इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था की नकल की है। तो इतना कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि हमने
इंग्लैंड से संसदीय व्यवस्था तो ली, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करके लिया। जैसे ये मैं तुलनाएं पढ़ा चुकी हूं, कहां भाई भारत में जो नाम मात्र के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है वो राष्ट्रपति होते हैं, जैसे ब्रिटेन में राजा होते हैं, यहां तक तो ठीक है जी, हमने नकल कर ली। लेकिन जहां पे हमें अपने सुविधा की बात आई कि भारत के जो नाम मात्र के प्रतिनिधि होते हैं दोस्तों, यानी जो राष्ट्रपति जी होते हैं, वो क्या होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं, लेकिन इंग्लैंड में क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। तो ये बस बीच में मुझे ऐसा लगा एक बार रिवाइज कराना चाहिए कि भाई हमने यूके से संसदीय प्रणाली को तो लिया है, लेकिन एज इट इज नहीं लिया है, उस संसदीय प्रणाली में भी हमने अपने देश की सुविधाओं के अनुसार परिवर्तन किए हैं। ठीक है, जैसे वहां पे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अनिवार्य तौर पर निम्न सदन के नेता होते हैं, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, यहां तक कि ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो ना लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है। मैं हूं, मैं ना तो लोकसभा की सदस्य हूं ना राज्यसभा की सदस्य हूं, फिर भी प्रधानमंत्री बन सकती हूं। यूपीएससी 2012 के आसपास ये क्वेश्चन आया है आईएएस के एग्जाम में, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, खुश तो हो जाऊं यार, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक ऐसे ही एक जो बड़ा डिफरेंस है भारतीय विपक्ष और ब्रिटेन के विपक्ष के बीच में, वो है शैडो कैबिनेट। ठीक है, तो ये अलग से भी पूछा जा सकता है, शैडो कैबिनेट का मतलब क्या होता है, शैडो मतलब परछाई, मान लो तो क्या होगा, सत्ता पक्ष और ये है विपक्ष। तो सत्ता पक्ष के अलग अलग मंत्रालय होते हैं, मान लो जितने भी मंत्रालय हैं, तो विपक्ष भी अपने सेम मंत्रालय बनाएगा, ये मंत्रालय इस पे, ये मंत्रालय मतलब गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय पे, रक्षा मंत्रालय रक्षा मंत्रालय पे, विदेश मंत्रालय विदेश मंत्रालय पे नजर रखता है, उचित आलोचना करता है। तो इससे क्या होगा, कंट्रोल का जो सिस्टम है वो बेहतर रहता है। और इसका एक दूसरा उद्देश्य भी होता है, ये छाया कैबिनेट आप समझ गए, मुझे थम्स अप दे दो फटाफट। बिल्कुल, सीएम कैसे बनेंगे, सीएम बनी यार सोनम सीधा हमारे, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 164-4। और ये बताने से पहले मैं आप लोगों को एक कृपया करके याद दिलाना चाहूंगी, एक होमवर्क जो मैं कई बार दे चुकी हूँ आप लोगों को, आर्टिकल 74, 75, 78, आर्टिकल 163, 164, 167, ये 6 के 6 आर्टिकल पढ़ लो, ये 6 आर्टिकल नहीं है, 3 ही आर्टिकल है, बस नाम अलग हो जाते हैं, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, मुख्य प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री। तो ये दोस्तों शिवम ने पूछा था शायद 164-4 में सेम ये बात लिखी हुई कि यदि कोई व्यक्ति ना तो लोकसभा का सॉरी ना तो विधानसभा का सदस्य है, और जिस राज्य में विधान परिषद है वहां पे ना विधान परिषद का सदस्य है, वो भी सीएम बन सकता है। जैसे ममता बनर्जी बनी, लेकिन 6 महीने तक ही बनेंगी, 6 महीने के अंदर उन्हें सदन की सदस्यता लेनी होगी। ठीक है मैम, वो बंगाल में विधान, बिल्कुल वो तो मैंने बोला कि जिस राज्य में है वहां की बात है। तो भाई सीधी सी बात है, बंगाल में सबको पता है विधान परिषद तो है नहीं, तो ममता दीदी को क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर विधानसभा की ही सदस्यता लेनी पड़ेगी, और विधानसभा में भी क्या करना पड़ेगा, निर्वाचित होके जाना पड़ेगा, तभी वो आगे टिकी रहेंगी, अदरवाइज मुख्यमंत्री नहीं रह पाएगी। हमारे संविधान के अनुसार मात्र 6 महीने तक ही मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है ऐसी परिस्थितियों में। थम्स अप दे दो, समझ गए फटाफट। ठीक है, अब शैडो कैबिनेट समझ गए कि भाई सेम सेम मंत्रालय, इससे क्या होता है, एक तो विपक्षी दलों द्वारा सरकार के साथ तुलना के लिए बनाया जाता है, तुलना, भाई हम होते विदेश मंत्रालय तो हम ऐसे काम करते, सरकार जी आप कैसे काम कर रहे हो, मतलब क्या होगा, नियंत्रण और संतुलन बेहतर होगा ऐसी सिचुएशन में, है ना, क्योंकि एक यहाँ पे तो पूरी सरकार की आलोचना करता है विपक्ष, वहां पे एक एक मंत्रालय की आलोचना करने के लिए एक एक मंत्रालय बनाया गया, सोचो नियंत्रण और संतुलन कितना बेहतर होगा वहां पे, हर मंत्रालय कुछ भी कार्य करने से पहले सोचेगा कि विपक्ष का मंत्रालय घात लगाए बैठा है हमारी गलतियों को पकड़ने के लिए, तो
बेहतर व्यवस्था है ये शेडो कैबिनेट। एक तो इसका मतलब होता है कि भाई तुलना करके, भाई हम होते तो ऐसे काम करते, और दूसरा अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्रियों के तौर पर तैयार करना इसका उद्देश्य होता है। और कैबिनेट मंत्री के लिए विपक्ष का शेडो कैबिनेट होता है। शेडो कैबिनेट मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ठीक है, चेक एंड बैलेंस। एक अब हम आएंगे विप सचेतक क्या होता है। विप सचेतक क्या होता है, ये भी एक पद होता है। कैसे, दो चीजें तो ध्यान रख लेना, जैसे कि सदन में नेता और विपक्ष के नेता का पद संविधान में भी उल्लेखित नहीं है। अब ये ना पढ़ के मत छोड़ देना, यहाँ पे पीटी लिख लेना और दिमाग में फिक्स कर लेना, भारत के पूरे संविधान में कहीं पे भी सदन के नेता और विपक्ष के नेता के पद का जिक्र नहीं है। पूरे संविधान में किसी भी अनुच्छेद में सदन के नेता, सदन का नेता और विपक्ष का नेता दे देगा, विपक्ष के नेता का प्रोविजन इस अनुच्छेद में किया गया है। तो हमें पता होना चाहिए पूरे संविधान में सदन का नेता विपक्ष का नेता का कहीं जिक्र नहीं है। इतनी बात समझ गए, पीटी लिख लेना, ध्यान से उलझते हैं हम यहीं पे, बाकी तो पॉलिटी सबको पता है यार, सब समझ जाते हैं, जहां उलझते हो वहां पीटी लिख लिया। फिर भी इन्हें ध्यान रख लेना, सदन में नियम और संसदीय संविधि में क्रमशः उल्लिखित किया गया। जो संसदीय नियम होते हैं दोस्तों, है ना, संसदीय नियम होते हैं, अपने उपनियम होते हैं, उनमें सदन के नेता और विपक्ष के नेता को स्थान दिया गया है सदन के नियमों में। लेकिन ये जो सचेतक होते हैं, ये जो विप की, जो विप का जो कार्यालय होता है, इसका उल्लेख ना तो भारत के संविधान में है कहीं पे भी, पीटी लिख लेना, और ना ही किसी भी नियम या संसदीय विधि में इसका कोई उल्लेख किया गया है। विप क्या है उस पे आ रही हूं, पहले ये समझ जाओ कि भाई सदन के नेता विपक्ष के नेता का तो संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन नियमों में तो जिक्र है। लेकिन ये जो विप होता है, सचेतक होता है, इसका जिक्र ना तो पूरे संविधान में है और ना ही संसदीय नियमों या संसदीय विधियों में है। मतलब बस एक पद है ये, ठीक है। यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित होता है, परंपराओं पर आधारित होता है। अब ये विप होता क्या है, देखो प्रत्येक राजनीतिक दल का, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, संसद में ना अपना एक विप होता है। एक व्यक्ति विप के तौर पे काम करता है, सचेतक के तौर पे काम करता है। क्या करेगा ये व्यक्ति, ये जो नेता होते हैं, जो विप सचेतक होते हैं, ये देखते हैं कि भाई सदन में हमारी पार्टी के नेता अनुशासन से काम कर रहे हैं क्या, उपस्थिति उनकी बेहतर है क्या। मान लो किसी दिन किसी मुद्दे पे पक्ष या विपक्ष के ऊपर मतदान होना हो, उस दिन सदन के नेताओं की उपस्थिति होना जरूरी होता है भाई, है ना। पक्ष और विपक्ष की बात है, मान लो सदन के लोग ही नहीं आए तो विपक्ष क्या करेगा, वैसे ही हार गया, या पक्ष वैसे ही हार गया। तो इस सचेतक का काम यही सब देखने का होता है कि भाई राजनीतिक दल द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसकी जिम्मेदारी क्या होती है, वो अपनी पार्टी के नेताओं का बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखे, ज्यादा से ज्यादा नेताओं को सदन में उपस्थित रखे और संबंधित मुद्दों के पक्ष या खिलाफ पार्टी का सहयोग करे। ठीक है, मान लो पक्ष में वोट डालना है तो वो अपने सदन के नेताओं तक मैसेज पहुंचाए कि भाई विप का पालन करना होगा, आपको इस मुद्दे के पक्ष में वोट डालना होगा, या विपक्ष वाला कहेगा आपको इस मुद्दे के विपक्ष में वोट डालना होगा। मेंस में मैं बताऊंगी कि ये विप की व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्रात्मक चरित्र को कैसे कमजोर करती है। मान लो मैं सदन की नेता हूं, सॉरी मैं सदन की सदस्य हूं, एमपी हूं मैं, और ये जो विप है, जो सचेतक है, मान लो ये मुझे कहते हैं कि ये बिल है जी, ये बिल है, मान लो कोई भी बिल है, ये आपको इस बिल के पक्ष में ही वोट डालना है। अब भाई लोकतंत्र है, मेरा अधिकार है, मैं तो नहीं हूं मान लो पक्ष में, इस बिल के पक्ष में तो नहीं हूं मैं, है ना, लेकिन मुझे भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसके अनुरूप पालन करना होगा और अपने सदन के पक्ष में ही मत देना होगा। तो ये मेंस में अलग क्वेश्चन बनता है कि क्या विप या सचेतक जो होता है, विप की व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक
जो चरित्र है देश का उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। तो समझ गए विप की मोटी मोटी व्यवस्था, समझ गए आप लोग? थम्स अप दे दो फटाफट। यानी ये क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा सदन में लोग उपस्थित हों, भाई सदन के सदस्य भाई जितने भी लोग हैं आओ पक्ष में या विपक्ष में मतदान दो। ये सारा काम इसी का होता है। वह संसद के सदस्यों के व्यवहार पे भी नजर रखता है। सदस्यों के लिए माना जाता है कि वो विप के निर्देशों का पालन करेंगे, यदि पालन नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है। ठीक है गौरव मैम, दूसरा पॉइंट समझा दो। दूसरा पॉइंट कुछ नहीं है, मैं बता रही हूँ। विप समझ गए कि ना तो संविधान में जिक्र है ना संसद के नियमों में जिक्र है। सचेतक का काम क्या होगा भाई, अपनी पार्टी के सदस्यों को उपस्थित रखना, किसी भी मुद्दे के पक्ष या विपक्ष के ऊपर बताना कि आपको यहाँ मत डालना है जी, पक्ष में या विपक्ष में। दूसरी बात, ये संसद के अपने सदन के, मान लो जो किसी पार्टी का ही होगा ना ये विप तो सचेतक, तो अपनी पार्टी के नेताओं के व्यवहार पे नजर रखेगा वो, कि वो जो पार्टी के नेता है वो पार्टी लाइन के आदेशों का पालन करें। मान लो पार्टी ये कह रही है कि भाई हमें इस बिल का विरोध करना है, तो ये विप ये सुनिश्चित करता है कि इस पार्टी के सभी सदस्य इस बिल का विरोध करेंगे, और पार्टी कह रही है कि हमें इस बिल का समर्थन करना है, तो ये विप ये सुनिश्चित करेगा कि सदन के सभी सदस्य इस बिल का समर्थन करें। यही काम होता है सचेतक का। और यदि संसद के सदस्य या उस दल के सदस्य पार्टी लाइन के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, विप के आदेशों का पालन नहीं करते, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अब समझ गए? ठीक है, ठीक है। मतलब प्रत्येक राजनीतिक दल का एक विप होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक विप होगा, एक सचेतक होगा, कांग्रेस का, बीजेपी का, सपा का, बसपा का, हर पार्टी का एक सचेतक होता है जो ये देखता है कि भाई बसपा के या सपा के या कांग्रेस के या बीजेपी के जो राजनीतिक सदस्य हैं, जो एमपीज हैं, वो पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग चले। ये सारा काम होता है सचेतक का, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अब हमें ये बीच में आ गया, कोई नहीं, देख लेते हैं स्थगन और सत्रावसान। हालांकि मैं इसको मैप के माध्यम से कई बार समझा चुकी हूँ, मैप कैसे बनता है इसका, यहाँ देख लो, ये है एक सत्र चल रहा है, सत्र मान लो 40 दिन चला, बीच में इसका स्थगन हो गया कुछ दिन के लिए, है ना, कुछ दिन के लिए बैठक नहीं चली, स्थगन हो गया, ये होता है बीच में। ठीक है, और ये पूरे सत्र की समाप्ति कैसे होगी, तो दो तरीके से होती है, एक विघटन के द्वारा होती है और एक सत्रावसान के द्वारा होती है। ये दो चीजें मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। स्थगन कौन करेंगे, फिर भी पढ़ लेते हैं। देखो स्थगन क्या होती है, यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त करना होता है, ना कि सत्र को। सीधा सा समझ जाएंगे कि इस स्थगन में पूरा सत्र समाप्त नहीं हो रहा, बल्कि क्या समाप्त हो रही है, एक बैठक समाप्त हो रही है। पूरा सत्र स्थगन में समाप्त नहीं होता, लेकिन सत्रावसान में यह ना केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को समाप्त करता है। पूरा सदन समाप्त हो जाएगा किसके द्वारा, सत्रावसान के द्वारा। समझ गए, यानी कि स्थगन के द्वारा पूरा सत्र समाप्त नहीं होगा, केवल एक बैठक समाप्त होगी जी, सत्रावसान के द्वारा पूरा सत्र समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, जो स्थगन होता है जिसमें एक बैठक स्थगित होती है, वो पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे या राज्यसभा के सभापति करेंगे। लेकिन जो सत्रावसान होता है दोस्तों, जिसमें पूरे सत्र का अंत होता है, सत्रावसान या विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इन तीनों चीजों में बार बार कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसको एक बार आंख बंद करके ये मैप समझ लेना, चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा यह किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता, क्योंकि वह काम दोबारा होने वाली, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर स्थगन हो गया, ये तो किसी बैठक की समाप्ति है ना, पूरा सत्र तो समाप्त हुआ नहीं, तो ये किसी विधेयक पर या किसी भी प्रकार की
प्रक्रिया पे कोई असर नहीं डालता, क्योंकि बैठक दोबारा शुरू होगी, दोबारा विधेयक पे चर्चा शुरू हो जाएगी। लेकिन सत्रावसान यह किसी विधेयक पर तो प्रभाव नहीं डालता, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में क्या होगा, नया नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि सत्र की समाप्ति हो चुकी है। और ब्रिटेन की अलग बात है, वहां सत्रावसान हो गया तो फिर सदन में जो कार्य था वो लंबित माना जाएगा, जितने भी विधेयक थे वो लंबित माने जाएंगे। लेकिन भारत में क्या होगा, सत्रावसान की कंडीशन में अगली बार जब सत्र होगा तो नए नोटिस देने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से स्थगन, सत्रावसान, विघटन कौन करता है, क्या होता है, ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आत्मनिर्भर कृषि अब समझ में आ गया आपको, ये अनिश्चित काल तक के लिए भी हो सकता है, कोई ऐसा फिक्स टेन्योर नहीं है। ठीक है, ठीक है, मुझे बस एक मिनट का टाइम दे दो। और जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, अपने अपने ट्विटर पे, अपने अपने फेसबुक पे, अपने अपने क्या बोलते हैं इसको, व्हाट्सएप पे, ठीक है, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। अब अगला आता है, सदन में मतदान कैसे होता है। सदन है जी, सदन में मतदान कैसे होता है, ये बस समझने के लिए समझ लो। आप पॉलिटी के जानकार हो, पॉलिटी आपको पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे कैसे प्रोसेस होती है। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, सभी मामलों पर सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है, उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। देखो ये हमने पढ़ दिया, लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान देने लायक बात है, 108 में होती है संयुक्त बैठक, पीटी लिख लेना एक बार, सिंपल सा आईएएस में क्वेश्चन पूछ दिया गया, अभी हाल में ही पूछा है, 15, 16, 17, 18 के आसपास, मुझे तारीख याद नहीं रहती कब पूछा, लेकिन क्वेश्चन पूछा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक में कोई भी प्रस्ताव कितने बहुमत से पारित होता है। साधारण बहुमत से पारित होता है, विशेष बहुमत से पारित होता है, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होता है, या एक ऑप्शन और था, तो यहाँ पे क्या दे दिया, उपस्थित सदस्यों के बहुमत, उपस्थित और मतदान देने वालों का बहुमत, मतलब साधारण बहुमत, सिंपल सी बात है, अलग से भी पढ़ेंगे 108 को। यहाँ पे हमने देखा कि ऑल ओवर जितने मामले होते हैं सदन में या संयुक्त बैठक में, तो संयुक्त उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा नॉर्मली क्या होता है, पास हो जाते हैं, वो निर्णय लिया जाता है पीठासीन अधिकारी के अलावा। ये क्यों लिखा गया, सब पढ़ा चुकी हूं, पीठासीन अधिकारी प्रथमतः मत नहीं देंगे, याद है कि भूल गए, पीठासीन अधिकारी प्रथमतः मत नहीं देंगे, पहली बार में मत नहीं देंगे, जब निर्णय, जब मतदान बराबर बराबर होगा, मान लो 20 यहाँ पड़े वोट, 20 यहाँ पड़े, फिर जगेंगे कौन, पीठासीन अधिकारी, अब आएंगे हम, याद है ना, ठीक है। चलो ये हमने देख लिया पहली बात। दूसरा, कुछ एक ऐसे प्रोविजन होते हैं जहां पे अलग अलग बहुमत की जरूरत होती है, जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाएंगे तो कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए, संविधान में संशोधन लाएंगे तो किसी में विशेष बहुमत चाहिए, किसी में विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति चाहिए, तो अलग अलग मामलों में अलग अलग तरीके से बहुमत हमें पढ़ना है। पीठासीन अधिकारियों को हटाना है तो क्या चाहिए, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत चाहिए, है ना, आदि में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। ये हमने देख लिया कि कुछ मामले ऐसे जो साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के बहुमत की जरूरत होती है, ये हमने देख लिया। सदन का पीठासीन अधिकारी, ये मैं बता ही चुकी हूँ, पीटी लिखी लेना, सदन के जो पीठासीन अधिकारी है दोस्तों, वो पहले प्रयास में मत नहीं देते हैं, पहली बारी में मत नहीं देंगे, लेकिन जब मत बराबर हो जाएंगे तभी आएंगे मतदान करने, बड़ा इंपॉर्टेंस होता है उस समय, एक एक वोट का, एक वोट से पासा इधर या पासा उधर, ठीक है, तो पहली बार में मत नहीं देंगे, मत निर्णायक हो, बराबर हो, टाई हो जाए, ऐसी सिचुएशन में मत देंगे। सदन की कार्यवाही किसी अनाधिकृत मतदान या भागीदारी या इसकी सदस्यता में किसी रिक्ति के बावजूद वैध होगी। ये बोला जाता है कि सदन की कार्यवाही जब चल रही है, मान लो सदन में रिक्त है सदस्यता, अब मान लो कोई एमपी है और सदन की कोई कार्यवाही होगी, वो एमपी कल को कहे कि भाई मैं तो अनुपस्थित था, आपने मेरे बिना ये कार्यवाही कैसे कर ली, तो
कहेंगे कि ऐसा है, आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, होते तो बहुमत में काउंट होता, तो वही बोल रहा है किसी की सदस्यता की रिक्ति के बावजूद जो भी कार्य होंगे वो वैध होंगे। समझ गए यहां तक कि कुछ मामले साधारण बहुमत, कुछ मामले विशेष बहुमत, पीठासीन अधिकारी पहले मत नहीं देगा, निर्णायक सिचुएशन में मत देगा। अब मतदान प्रक्रिया में कुछ बिंदु उल्लेखनीय, क्या हो गया भाई, क्या लिखे मैम, कहाँ लिखना है शोभा, कहाँ प्रीवी काउंसिल पूरा जो जिसे आईजी ने, आपका क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें कुछ एक बिंदु ध्यान रखने हैं। पहला, चर्चा के अंत में मान लो एक विधेयक पे चर्चा हो रही है, चर्चा के अंत में क्या होगा, समझो इसको, फील करो, जैसे एक पूरा सदन बैठा हुआ है, क्या होगा चर्चा के अंत में, लोकसभा अध्यक्ष प्रश्न पूछ के प्रस्ताव के बारे में सदस्यों की राय को पूछेंगे, ये बोलेंगे कि भाई ये बताओ ये जो प्रस्ताव है, ये जो विधेयक है, इस पे आप लोगों की क्या राय है, तो प्रस्ताव के पक्ष में होंगे वो कहेंगे यस, ये लिख दिया है कुछ आए लिख दिया है यस, और जो प्रस्ताव के विरोध में होंगे वो बोलेंगे नो, ठीक है। अब लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि मैं समझता हूं प्रस्ताव, या तो मतलब अगर यस के पक्ष में होगा तो लोकसभा अध्यक्ष कहेंगे प्रस्ताव यस के पक्ष में है, यदि नो के पक्ष में होगा तो लोकसभा के अध्यक्ष कहेंगे नो के पक्ष में है, जैसी भी स्थिति होगी, मैं बोल रही हूँ हाँ भाई मुझे लग रहा है प्रस्ताव यस के पक्ष में है। अब यदि प्रश्न के बारे में लोकसभा के निर्णय को चुनौती नहीं दी जाती है, मैंने मान लो सोच लो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सोचने में क्या जाता है, मान लो मैं लोकसभा अध्यक्ष हूं, मैं ये कह दूं कि भाई आप लोगों के प्रत्युत्तर को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये प्रस्ताव यस के पक्ष में जाना चाहिए, हाँ है इसका मतलब, और यदि मेरे इस निर्णय को जो मैं कह रही हूं कि हाँ के पक्ष में जाना चाहिए किसी व्यक्ति ने चुनौती नहीं की तो क्या होगा, तो वो दो बार बोलेंगे यस यस, और उसी के अनुसार सदन जो सदन के समक्ष प्रश्न का निश्चय हो जाएगा कि हाँ भाई यस के पक्ष में चला गया प्रस्ताव, नॉर्मल सिचुएशन में, ठीक है। एक प्रस्ताव पे कहा यस बोलो या नो बोलो, कुछ ने कहा यस कुछ ने कहा नो, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा मुझे ऐसा लगता है यस के प्रस्तावक ज्यादा है तो क्यों ना इसको लोक कर दिया जाए, बात खत्म, और किसी ने मेरे लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती नहीं दी तो यस के ऊपर प्रस्ताव लोक हो जाएगा। लेकिन यदि लोकसभा की राय में, लोकसभा अध्यक्ष की राय में बंटवारे वोट का अनावश्यक दावा किया गया है, कोई आदमी उठ के कहे, कोई लोकसभा का सदस्य उठ के कहे कि ना जी ना आप यस को गलत तवज्जो दे रहे हो, नो वाले लोग भी काफी मात्रा में है, मतलब चुनौती दे दी जो लोकसभा अध्यक्ष ने डिसीजन दिया था, तो वे सदस्यों से कह सकते हैं कि यस और नो वाले सदस्य अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, जिसने यस कहा है खड़े हो जाएं, जिसने नो कहा है खड़े हो जाएं, और गिनती होती है फिर, फाइनली गिनती होगी कि यस वाले कितने हैं नो वाले कितने हैं, ये बस समझने के लिए जरूरी है, तब वो सदन के निश्चय की घोषणा कर सकते हैं। मान लो यस वाले निकल गए 21 और नो वाले निकल गए 20, तो क्या कहेंगे, देखा मैंने कहा था यस का प्रस्ताव वैलिड है, ठीक है, और इस मामले में मतदाताओं के नाम नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे, ये सब समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमने सदन में मतदान देख लिया, पीठासीन अधिकारी का मत देख लिया, पूरी प्रक्रिया को बस एक बार समझ लिया कि कैसे संसद में प्रक्रिया होती है, और इसको देखने के लिए आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स हो, मैं एक छोटी सी बात रिकमेंड करूंगी, जब कार्यवाही होती है सदन की तो कभी कभी खाना खाते खाते उस कार्यवाही को देखा करो, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा कि अच्छा हमारी संसद कैसे काम करती है, ठीक है। चलो, सचेतक के आदेश की अवहेलना करने पर दल बदल अधिनियम के तहत कार्य, बिल्कुल सही बात है, यदि विप के आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा तो दल बदल के तहत कार्यवाही की जा सकती है, एकदम सही पकड़े हो, उसके जो चार दल बदल के पॉइंट्स है ना, कि यदि पार्टी के अगेंस्ट जाके कोई व्यक्ति कुछ काम करता है तो फिर दल बदल का नियम लागू हो सकता है उस पर, ठीक है। अब हम देखेंगे सदन में भाषा, सदन में भाषा का क्या सीन है जी, सदन में भाषा, संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही भाषा घोषित किया है, ठीक है,
हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कार्यवाहियां हो सकती हैं। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। ये पीटी लिख लेना, क्यों पीटी लिख लेना? कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए पीसीएस में, आईएएस में भी, कि भाई संसद में जो सदन की भाषा होगी वो या तो वो केवल या तो हिंदी में हो सकती है या अंग्रेजी में हो सकती है, तो ये बताओ मैंने सही बोला है कि गलत बोला है? भाई सदन की भाषा या तो केवल अंग्रेजी हो सकती है या केवल हिंदी हो सकती है, मुझे ये बताओ एम आई राइट और रॉन्ग? वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान रख लेना गलत बोल रही हूं, क्यों? हिंदी और इंग्लिश तो हो ही सकती है। अब बेचारे कई ऐसे हैं जिनको सदन के सदस्य जिनको ना तो हिंदी आती ना इंग्लिश आती, वो क्या करेंगे? मातृभाषा में भी बोलने का अधिकार दे सकते हैं पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी मतलब जो अध्यक्ष होते हैं, पीठासीन समझते हो ना, पीठासीन अधिकारी का मतलब जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति या उनकी अनुपस्थिति में जो भी अध्यक्षता कर रहे हैं वो पीठासीन अधिकारी, ठीक है? मातृभाषा में बोलने का भी अधिकार दे सकते हैं। दोनों ही सदनों में समानांतर रूप से अनुवाद की व्यवस्था भी है, और ये कभी ये एक लाइन दे देगा कि संविधान लागू होने की तिथि से 15 वर्ष के बाद अंग्रेजी स्वयमेव समाप्त हो जाएगी, ऐसा प्रोविजन हमारे संविधान में किया गया था कि भाई संविधान लागू होने की जो तिथि से 15 वर्ष के बाद अंग्रेजी स्वयमेव समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो हमने राजभाषा अधिनियम 1963 लागू किया इसमें हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति दी। वैसे तो अंग्रेजी समाप्त हो जानी चाहिए थी 15 साल बाद, लेकिन हमारा राजभाषा अधिनियम है उसमें हमने इंग्लिश के साथ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को कंटिन्यू करने की आजादी दी कि यदि कोई सदन का सदस्य इंग्लिश में भी बोलना चाहे तो भी बोल सकता है, अब हिंदी में भी बोलना चाहे तो भी बोल सकता है, और स्थानीय भाषाओं में, ठीक है, स्थानीय भाषाओं में भी जैसे बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी तो बोल सकता है। समझ गए अब भाषा में सिंपल सी? बिल्कुल, हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी अनुमति मिली। गुड आफ्टरनून पीके मैम, 22 लैंग्वेज में से बिल्कुल बिल्कुल किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है? अब हम अगली चीज पढ़ेंगे। यहां से पीटी में क्वेश्चन बना है, एक क्वेश्चन बना था 2015 में, अब बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन था, दिमाग हिल गया था, छोटी सी बात थी। मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, महान्यायवादी हमें पता है अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल फटाफट बताओ कौन से संविधान में जिक्र है, आर्टिकल 70 फटाफट, वेरी गुड, 76 है बच्चे, 76 है मोटिवेशनल कोड, 70 हो सकता है लिखने में गलती हो गई हो, 76। अब यहां पे हमें क्या देखना है कि भाई सदन का सदस्य होने के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री और भारत के जो महान्यायवादी को इस बात का अधिकार होता है, यहां स्पेशली भारत के महान्यायवादी के आगे पीटी लिख लेना, कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं महान्यायवादी होते हैं वो सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, मतलब विचार व्यक्त करने का मतलब क्या है, महान्यायवादी सदन में बोल सकते हैं, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, आराम से बैठ के सदन की कार्यवाही को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकते हैं। तीन चीजें समझ गए, यानी कि मंत्री तो बोलेंगे ही, यहां महान्यायवादी को समझिए आप, ठीक है, महान्यायवादी सदन की कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकते हैं। अब यहां फंसे थे बच्चे 2015 का पॉलिटी का एक पीटी पलट के देखना, 15 की बात है शायद, मतलब आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन 14 या 15 में से एक का मिलेगा, संसद की किसी समिति जिसके वे सदस्य हैं कि बैठक या कार्यवाही में भी भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान के अधिकार के बिना। ये तो सबको पता है, पता है इसमें कंफ्यूजन हो गया था, क्वेश्चन आया था संसद की जो महान्यायवादी हैं
हमें ये तो पता है कि भाई वो सदन की बैठकों में भाग ले सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं, संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, महान्यायवादी संसद की समिति में भी भाग ले सकते हैं। सीधा क्वेश्चन था, मतलब चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन था, चूज करना था। तो क्या है, सही है कि गलत है? संसद की समिति में भाग ले सकते हैं ना, उस पे आ रही हूँ, जी के ट्रिक स्मार्ट उस पे आ रही हूँ। बच्चे वोट नहीं दे सकते, वो बिल्कुल सही बात है, समिति में भी भाग ले सकते हैं। और वहां पे ना ये छोटे छोटे वर्ड में इतना उलझ जाता आता है आदमी, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है, वहां पे सोचते हैं यार ये तो पता ही नहीं है, यार ये तो पढ़ा ही नहीं कभी, ये तो पता है सदन में भाग ले सकते हैं, समिति में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, माथा एकदम बल्ब एकदम फट जाता है, समझ रहे हो? तो ध्यान रख लेना, समिति में भी भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते, कहीं पे भी मतदान नहीं करेंगे। पीटी में लिख लेना, पीटी लिख लेना, भाग लेंगे, बोलेंगे, संयुक्त बैठक में भाग लेंगे, समिति में भाग लेंगे, लेकिन मतदान करने का अधिकार, वोटिंग राइट नहीं है इनको, ठीक है? अगर सत्ता दल का नेता सदन में कोई विधेयक लेके आता है और वो उसको पास ना करवा सके, पक्ष में कम वोट और विपक्ष में ज्यादा वोट आए, तो विधेयक के साथ साथ सरकार भी गिर जाएगी। कोई नेता, भाई यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व है ना, इसको अलग से, हम संसद आ रहा है आगे, क्या क्या विधायी प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसेस है विपिन, वहां पे हम करेंगे इसको, ठीक है? चलो अब यहाँ पे क्या देखना है, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, मैं अलग से भी बताऊंगी। एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है जिसका वो सदस्य नहीं है। दूसरे शब्दों में एक मंत्री, मान लो एक ऐसा मंत्री है जो लोकसभा का सदस्य है, तो वो राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है? और ऐसा सदस्य, ऐसा मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है, तो वो राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। यानी कि मंत्री जिस सदन का वो सदस्य है, उस सदन के अलावा दूसरे सदन की कार्यवाही में पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है, समझ गए? भाग ले सकता है। उसी तरह एक मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा की कार्यवाही में भी भाग लेने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन ध्यान रख लेना मतदान नहीं कर पाएगा, वो मतदान नहीं कर पाएगा। गुलाब सिंह, मेरा कोड है दोस्त ललिता वाईटी, LALITAYT, मेरा नाम वाईटी, ठीक है, ललिता वाईटी, समझ गए? यानी एक मंत्री जो किसी दूसरे सदन का सदस्य है, दूसरे सदन की बैठक में आराम से भाग ले सकता है। पहले ये पढ़ो फिर एक लाइन बताऊंगी। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है ऐसा। और ये हमारे संविधान में ये मत कहना कि मैम ऐसा व्यक्ति कैसे मंत्री बन सकता है जो ना दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है। मैं बता चुकी हूँ, लोकसभा राज्यसभा किसी का भी सदस्य नहीं है, मंत्री क्या होगा, बन सकता है 6 महीने तक। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वो दोनों सदनों की बैठकों में आराम से भाग ले सकता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि कोई भी मंत्री बिना सदन का सदस्य बने 6 महीने तक ही क्या होगा, मंत्री बना रहेगा। अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि भाग तो ले सकते हैं लेकिन ये बताओ मतदान करने का अधिकार होगा कि नहीं। ऐसी सिचुएशन में जो लोकसभा का सदस्य है और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेगा, तो क्या उसे राज्यसभा में मतदान करने का अधिकार होगा, यस और नो? वेरी गुड, बिल्कुल नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन बना था, मान लो प्रधानमंत्री हैं, मंत्री से ऊपर उठ के बात करेंगे हम, मान लो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं, अब लोकसभा की बैठक में भाग ले रहे हैं और कोई इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण विषय आ जाए, अति महत्वपूर्ण विषय आ जाए, तो मुझे लॉजिक के आधार पे ये बताओ कि ऐसी परिस्थिति में ये जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विषय आ गया लोकसभा में, तो क्या ये लोकसभा में मतदान कर पाएंगे, यस और नो? फटाफट आंसर दो मुझे। वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। बस एक फंडा समझना है, उसके बाद कोई भी आ जाए, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, भाई सिंपल सी बात है ना, जब
कोई किसी सदन का सदस्य ही नहीं है तो मतदान का अधिकार कैसे हो जाएगा? मतदान का अधिकार भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि लोकसभा के मेंबर नहीं है, बिल्कुल सही बात है विशाल, बहुत ही बढ़िया। मैक्सिमम क्या, सब बच्चों ने एकदम बहुत ही शानदार तरीके से इस कंसेप्ट को समझा, समझ गए अब। महान्यायवादी, मंत्रियों के अधिकार, इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, बैठक में भाग लेना, संयुक्त बैठक में भाग लेना, विचार व्यक्त करना, समिति में भाग लेना, मतदान नहीं करेंगे। एक सदन का दूसरे सदन की बैठक में बैठक में भाग तो ले सकते हैं, मतदान नहीं करेगा। ठीक है, फटाफट थम्स अप दे दो समझ गए तो, हम भी पानी पी लेते हैं। बिल्कुल, पीएम को वोटिंग तभी मिलेगा जब सदस्य बन जाएंगे। प्रेसिडेंट दोनों में से किसी का, बिल्कुल नहीं यार, प्रेसिडेंट संसद में, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। प्रेसिडेंट मैं पढ़ा चुकी हूँ, वहां पे एक अनिवार्यता लिखी थी कि यदि ऐसा कोई सदस्य, ऐसा कोई व्यक्ति, सुन लो ध्यान से जो शब्द मैं बोल रही हूँ ना, इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी दोस्त, क्रिस्टल क्लियर आपके कंसेप्ट होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जो या तो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति मान लो बन जाता है, तो जिस दिन से, जिस दिन वो राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करते हैं, उस दिन से उनका ये पद रिक्त माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। यानी कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, समझ गए? ठीक है, लेम डक सत्र पढ़ी चुके हैं। नई लोकसभा के गठन के पश्चात होता है बेसिकली, नई लोकसभा का गठन हुआ, क्या होता है लेम डक सत्र, मैं उस दिन भी शुरुआत में बता चुकी हूँ संसद में, कि नई लोकसभा के गठन के पश्चात जो पहले वाली लोकसभा थी ना, उसका अंतिम सत्र होता है। पहले वाली मतलब वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। नई लोकसभा के गठन के पश्चात जो पहले वाली, पिछली लिख दो यहाँ पे, पिछली लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है वही लेम डक सत्र होते हैं। और ऐसे सदस्य जो दोबारा बन के नहीं आ पाए किसी कारणवश, जो एमपी नहीं बन के आ पाए, उनको क्या बोला जाता है? उनको लेम डक बोला जाता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में ममता बनर्जी वोट नहीं दे सकती, फिर बिल्कुल नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं दे सकती, एकदम सही समझे हो, एकदम वो भाभी जी घर पे आता ना, सही पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े हैं। क्यों? क्योंकि ममता दीदी विधानसभा की सदस्य ही नहीं है, वो बैठक में भाग भी ले सकती हैं, बोल भी सकती हैं, विचार व्यक्त कर सकती हैं, संयुक्त बैठक वहां होगी ही नहीं क्योंकि विधान परिषद है ही नहीं, लेकिन ममता दीदी वोट नहीं दे सकती, मतदान नहीं कर पाएंगी। ठीक है, वेरी गुड। अब हम देखेंगे संसद की कार्यवाही के साधन, अलग अलग तरीके के साधन होते हैं, इसमें से कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, कुछ पढ़ के छोड़ देनी है, हर चीज नहीं याद रख सकते। जहां से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन कहां से बनते हैं वो बताने के लिए मैं बैठी हूँ। लेम डक सत्र का अर्थ क्या होता है? दोस्त यही बताया, लेम डक सत्र कुछ नहीं है, इतना उलझना नहीं है। जैसे मान लो 2024 में, एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ, यही पे समझाती हूँ, देखो जैसे मान लो 2024 में इलेक्शन होंगे, तो इस इलेक्शन के बाद क्या होगा? नई लोकसभा का गठन होगा, समझ गए पवन जी? नई लोकसभा का गठन हुआ, तो ये जो पुरानी लोकसभा थी, ये जो वर्तमान लोकसभा के सदस्य हैं, इनकी एक बैठक होगी, जो पुराने लोकसभा के सदस्यों की है, इनका एक सत्र होता है, इसी सत्र को बोलते हैं लेम डक सत्र, जो पुरानी लोकसभा की बैठक होगी। और यहाँ पे कई एमपी ऐसे होंगे जो किसी कारणवश 2024 में चुन के नहीं आएंगे, जिनका चुनाव नहीं होगा 2024 में। कई एमपी, जरूरी थोड़ी तो है नहीं कि जितने जो अब चुने हैं वो वही अगली बार चुने जाएंगे, बहुत सारे कारणों से कई जने हार भी जाएंगे, इस बार तो और ज्यादा मतलब प्रभावी कारण है हारने के, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो कई सारे बंदे जो है चुन के नहीं आएंगे एमपीज, तो इन एमपीज को जो अगली लोकसभा में चुन के नहीं गए, इनको बोलेंगे लेम डक, लेम डक। अब समझ गए? ठीक है, अब हम आएंगे प्रश्नकाल, संसद की कार्यवाहियां।
डेली 11:45 9:45 पे मेरी स्पेशल पे क्लास होती है 9:45 पे और 11:45 पे यूट्यूब पे क्लास होती है। ठीक है, अब आएंगे प्रश्नकाल। क्या होता है प्रश्नकाल? संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है, मतलब जो पहला घंटा होता है, पहला आर होता है, ये प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। जब हम ये मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे उसमें होता है कि ऐसे कौन कौन से साधन हैं जो सरकार के ऊपर संसदीय नियंत्रण को बढ़ाते हैं, है ना भाई? सरकार के ऊपर संसद का नियंत्रण रहना चाहिए ना भाई, सीधी सी बात है। जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें विधान परिषद, विधान क्या बोलते हैं यार, संसद, लोकसभा, आर्टिकल 75(3) क्या कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो उत्तरदायित्व कैसे दिखेगा? जब मंत्रियों से हम प्रश्न पूछेंगे, मंत्री उत्तर देंगे चुपचाप, यही है प्रश्नकाल। इसमें होता क्या है, बस इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि पहला आर यही होता है प्रश्नकाल। संसद के सदस्य प्रश्न पूछते हैं किनसे? मंत्रियों से, और मंत्री उत्तर देंगे। और 3 तरीके के प्रश्न होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना यहां से। कैसे? तारांकित प्रश्न होते हैं, स्टार लगा होता है, अतारांकित प्रश्न होते हैं, स्टार नहीं लगा होता है, और अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं। अब आप लोगों से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, भाई तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, पूरक प्रश्न किसमें पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, एकदम सब क्लियर हो जाए क्या बोल रहा है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक तौर पर दिया जाता है। जो स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तारांकित प्रश्न, इनका आंसर मान लो सदस्य ने प्रश्न पूछा मंत्री जी से, मंत्री जी ये बताओ इस योजना में, मान लो मनरेगा में जो इतना धन दिया गया है उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया। ठीक है, एक चेक एंड बैलेंस की सुविधा तो है संसदीय शासन प्रणाली में। तो मंत्री जी क्या करेंगे? मंत्री जी उत्तर देंगे मौखिक तौर पे, क्योंकि ये क्या था, ये तारांकित प्रश्न है। तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक तौर पर दिया जाता है। अब मंत्री जी ने कहा कि भाई हमने ये पैसा इतना नालियों में, इतना सड़कों पे, इतना गड्ढों में ऐसे ऐसे खर्च किया, इतने लोगों को रोजगार दिया। ठीक है जी, अब क्योंकि मौखिक प्रश्न है, लिखित प्रश्न नहीं है, तो सदस्य फिर कहेंगे जी ये बताइए रोजगार कितने लोगों को दिया। यानी एक प्रश्न तो पूछा, उस प्रश्न का उत्तर भी दिया मंत्री जी ने, अब ये संसद के सदस्य पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? यानी प्रश्न पूछा, मंत्री जी ने उत्तर दिया, और फिर से ये पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, मंत्री जी ये बताइए कितने लोगों को रोजगार दिया इस योजना के तहत आपने। यहाँ पे याद क्या रखना है, अतारंकित पे आ रही हूं भाई, पहले मुझे ये बता दो सारे सारे पैसे नाली में लगा देते हैं। मैम जी रिलेशन में मुंबई आई थी, कोरोना की वजह से नहीं आ पा रही हूँ, रिटर्न मेरी, कोई बात नहीं। फ्यूचर जैस पांडे ऑनलाइन पढ़ते रहिए, वैसे भी अब तो ठीक है, ऑनलाइन पढ़ते, समझ गए। क्वेश्चन बनता है यहां से, पीटी लिख लेना, क्वेश्चन कहां से बनता है, पूरक प्रश्न किसके अंतर्गत पूछे जा सकते हैं, तारंकित, अतारंकित, अल्प सूचना। तो ध्यान रख लेना, तारंकित विषयों पे जिसमें मौखिक आंसर दिया जा रहा है, ऐसे ही तो ना कि भाई मंत्री जी ये बताओ कितने पैसे खर्च हुए, मंत्री जी ने बताया तो फिर पूछेंगे मंत्री जी ये बताओ कितने लोगों को रोजगार दिया, तो ये मौखिक प्रश्न चल रहे हैं, तो ऐसे में पूरक प्रश्न पूछने का एक विकल्प बना रहता है। लेकिन दूसरा क्या होता है, कंपेरेटिव स्टडी करके पढ़ेंगे, अतारंकित प्रश्न, इस पे स्टार नहीं लगा होता, अतारंकित प्रश्न, अतारंकित प्रश्नों में लिखित आंसर दिया जाता है, लिखित, लिखित तौर पे आंसर दिया जाएगा। अब मुझे ये बताओ, लिखित तौर पे मुश्किल से तो मंत्री जी आज लिख के लेके आए हैं आंसर, और अब सदस्य कह दे मंत्री जी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे ये बताओ कितने रोजगार दिए गए, तो मंत्री जी लिखित तौर पे लाए हैं, इसमें आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते उनसे, जो लिखित लाए हैं उसको पढ़ के बैठ जाओ। जो मेन मुद्दा बनता है ना, एक क्वेश्चन जो बनता है उसको समझ जाओ एक स्लिंग से, कि पूरक प्रश्न कहां पूछे जा सकते हैं। तो समझ में आया, थम्स अप दे दो। पूरक प्रश्न कहां पूछे जा सकते हैं, मौखिक प्रश्न में विकल्प होता है पूरक प्रश्न पूछने का, लिखित आंसर जहां पे होगा यानी तारंकित
प्रश्न के मामले में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारंकित का उत्तर लिखित रिपोर्ट के माध्यम से देना होता है और इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। वेरी गुड, समझ गए? और कृपया करके इसे 2-3 बार रिवाइज कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, तारंकित प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, अतारंकित में नहीं। अब अल्प सूचना वाले प्रश्न क्या होते हैं? अल्प सूचना के प्रश्न वो होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है और इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है, ध्यान रख लेना। अल्प 3 तरीके के प्रश्न होते हैं, तारंकित, अतारंकित, अल्प सूचना। अल्प सूचना वाले क्वेश्चन से पहले 10 दिन का नोटिस दिया जाता है कि आ जाओ सदन में, हम आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं और इन क्वेश्चन का आंसर आपको मौखिक तौर पे देना होगा, ये है अल्प सूचना। ठीक है, अब यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार रिवाइज कर लेना और कोई भी दिक्कत आए तो अवेलेबल हूं 24/7। ठीक है, मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न लिए जा सकते हैं, ध्यान रख लेना, मंत्रियों के अलावा प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न लिए जा सकते हैं। इस प्रकार कोई प्रश्न प्राइवेट सदस्यों को भी संबोधित हो सकता है यदि प्रश्न की विषय वस्तु किसी विधेयक, संकल्प, सदन की कार्यवाही से संबंधित अन्य मामलों से जुड़ी हो जिसके लिए सदस्य उत्तरदायी। तो ये आप लोगों से एक क्वेश्चन बन सकता है, पीटी लिख लेना दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये अगर पूछ लेता है ना दिमाग हिल जाता है। क्या कि प्रश्न काल के दौरान जो प्रश्न है वो केवल मंत्रियों से ही उसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैंने क्या सही बोला है क्या गलत बोला है, फटाफट बताओ। प्रश्न काल में केवल मंत्रियों से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बस ये एक नियम है अभिषेक, ये एक नियम बना हुआ है। ठीक है, मैंने गलत बोला है, क्यों? क्योंकि मंत्रियों के अतिरिक्त जो अन्य सदस्य होते हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यदि मान लो किसी विधेयक का मामला है, संकल्प का मामला है, या वो सदस्य उस कार्य के लिए जिम्मेदार था तो पूछ सकते हैं। जैसे मान लो MPLADS के फंड आते हैं, मान लो किसी सांसद की निधि के फंड आते हैं और ये सांसद मंत्री नहीं है, इससे भी पूछ सकते हैं कि सांसद जी हमने सुना है कि आपने MPLADS के फंड से खरीदी गई एम्बुलेंस को छुपा के रखा है। मतलब ये पॉलिटी में मत जाना, मतलब पॉलिटिकल उसमें मत जाना, एक समझ के तौर पे समझो। तो संसद के सदस्य से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि MPLADS से खरीदी गई एम्बुलेंस को आपने छुपा के क्यों रखा जब इतनी तबाही हो रही है देश में, जब ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी है, जब एम्बुलेंस की कमी है। तो जो यहाँ पे सांसद जी हैं वो फिर आंसर देंगे कि वो छुपा के नहीं रखा, हमारे पास ड्राइवर नहीं है इसलिए वो हमने रखा हुआ था। समझ गए? तो व्हाट इज आर यू यार, उन सब सारी चीजों पे आऊंगी। ठीक है मैम, आप एक क्लास इंपोर्टेंट, बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल ठीक है, समझ गए? तो ना केवल मंत्री से बल्कि प्राइवेट सदस्य से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मेरा उद्देश्य बस इतना बताने का था कि किसी ना किसी एग्जाम्पल से आप ध्यान रख लेना, प्राइवेट सदस्य से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? सही होगा जी, सही है, बात पूछा जा सकता है, क्यों नहीं पूछ सकते भाई? हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, हर एक सांसद हमने चुन के भेजा है, वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो हर एक सांसद की जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति। ठीक है, समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न से संबंधित प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी किसी मंत्री से प्रश्न पूछने की होती है, 3 प्रकार से प्रश्न इनसे भी पूछ सकते हैं, सेम प्रोसेस वही होगी। तारंकित, अतारंकित, अल्प सूचना प्रश्न तथा प्राइवेट सदस्यों से प्रश्न की सूची क्रमशः, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, हरा, सफेद, हल्का गुलाबी, पीले रंग की होती है ताकि वो एक दूसरे से अलग दिखे। मतलब ये होता है कि भाई अलग अलग होते हैं कि भाई तारंकित प्रश्न अलग, अतारंकित अलग, अल्प सूचना वाले अलग, प्राइवेट सदस्यों से अलग, ही अलग अलग अलग, इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जितना समझाना था समझ गए। तारंकित ओनली नो क्रॉस, क्या तारंकित ओनली नो, नहीं नहीं क्रॉस क्वेश्चन होगा तारंकित में, ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो अब देखते हैं ये शून्यकाल क्या है, शून्यकाल क्या है। प्रश्न काल में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं दिक्कत है तो थम्स अप दे दो। इंटरेक्टिव सेशन बहुत जरूरी है दोस्तों, मुझे भी लगता है आप लोग सुन रहे हो मेरी बात को, आप लोग मनन कर रहे हो उन चीजों पे, तो
प्राइवेट सदस्य कुछ नहीं होता है दोस्त। देखो दो दो तरीके के, ये एक मैंने विधेयक में भी बताया था, एक होता है सरकारी, अच्छा क्वेश्चन है वैसे आपका, एक सरकारी होता है एक गैर सरकारी। इसको विधेयक के तौर पे भी ले सकते हो, जैसे हम पढ़ते हैं सरकारी विधेयक क्या है या गैर सरकारी विधेयक क्या है, इसमें एक बस छोटा सा डिफरेंस है। सरकारी का मतलब जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री होते हैं, मान लो मंत्रियों से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्या हो जाएगा, सरकारी, ठीक है। और यदि मतलब जो ऐसा सदस्य कोई विधेयक लाए जो मंत्री नहीं है लेकिन संसद का सदस्य तो है, एमपी तो है, तो उसे गैर सरकारी बोलेंगे। यानी प्राइवेट सदस्यों का यहां मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो मंत्री नहीं है लेकिन एमपी है। किसने पूछा था क्वेश्चन, अब समझ गए आप? किसने पूछा था क्वेश्चन मैम, प्राइवेट मेरे घर, अरे गरिमा ऑल द बेस्ट यार, सब लोग ध्यान रखो, थोड़ा सा कठिन समय है दोस्त, क्या कर सकते हैं। अरे बिल्कुल यार, प्राइवेट सदस्य एमपी है यार, सदस्य है प्राइवेट सदस्य, ध्यान रख लेना। गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम आएंगे शून्यकाल। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रख लेना जो बार बार पूछा जाता है, शून्य किसकी देन है वैसे शून्य, इसको इस लिंक से ही ध्यान रखना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। शून्यकाल भारत की देन है, ये जो शून्यकाल प्रक्रिया है ये भारत की देन है, ठीक है। प्रश्नकाल की तरह ही प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, नियमों में कोई उल्लेख नहीं है शून्यकाल का, ये अनौपचारिक साधन होता है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, बिना कोई सूचना दिए किसी मामले को उठाया जा सकता है शून्यकाल में, ठीक है। नियमों में कोई उल्लेखनीय है उल्लेख नहीं है और बिना सूचना दिए मामले को उठाया जा सकता है शून्यकाल में। शून्यकाल प्रश्नकाल जो होता है ना उसके तुरंत बाद शुरू हो जाता है शून्यकाल, और इसे सदन के नियमित कार्यों के कार्यकृत के साथ किया जाता है। बेसिकली प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 से 1 बजे तक सामान्यतः क्या होता है, शून्यकाल होता है, ठीक है। प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय इसे छोड़ दो, बस ये बात ध्यान रख लेना कि ये जो संसदीय प्रक्रिया में ये नवाचार भारत की देन है, शून्य शून्यकाल भारत की देन है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एक ये पूछा जाता है कि ये प्रश्नकाल के पहले होता है कि बाद में होता है, तो ध्यान रख लेना दो चीजें, शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद होगा 12 से 1 बजे के बीच में, और ये जो शून्यकाल है ये बेसिकली संसदीय प्रक्रिया में हमारी यानी कि भारत की देन है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, इसमें ये एक तरीके का अनौपचारिक साधन होता है जिसमें बिना पूर्व सूचना दिए क्वेश्चन किए जाते हैं शून्यकाल में, प्रश्न मामले उठाए जाते हैं। ये नहीं है आप ये समझ लो शून्यकाल का अर्थ होता है, शून्यकाल में क्या किया जाता है, पहला बिना पूर्व सूचना दिए मामले उठाए जाते हैं, शून्यकाल में बैठ के जो है ना गपबाजी होती है संसद में, शून्यकाल में शून्य का मतलब शून्य कुछ भी नहीं होता है, तो समझ गए ना क्या होता है, ठीक है। यार ये जो है ना समरेंद्र बड़ा भूखा रहता है, ये यार ये ऑनलाइन क्लास है, आप आराम से बैठ के खाना वाना खा सकते हो, कोई नहीं देखेगा आपको, है ना, लेकिन मैं कुछ खाऊंगी तो आप लोग मुझे खाने नहीं दोगे, मुझे देख लोगे आप, है ना। आप आराम से खाता खाते खाते पढ़ो यार, आदत डालो खाना खाते खाते पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। चलो शून्यकाल समझ में आ गया, प्रश्नकाल समझ में आ गया। प्रस्ताव में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, प्रस्ताव क्या होते हैं बस ये ध्यान रख लेना, प्रस्ताव क्या होते हैं इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। लोक महत्व के किसी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना, ये तो आपको पता है पीटी में इस तरीके की लाइन आए कि भाई कोई भी लोक महत्व का विषय है उस पे बिना अध्यक्ष या जो पीठासीन अधिकारी है उनकी स्वीकृति के बिना बहस नहीं की जा सकती, उनकी स्वीकृति जरूरी होगी तभी बहस होगी। ये नहीं संसद भरे बैठे हैं, सांसद जैसे ही बैठक हुई वैसे ही बहस शुरू, वैसे ही पीठासीन अधिकारी सोच रहा है यार ये हो क्या रहा है, मैंने तो नहीं अनुमति दी बहस की, आप बहस कर ही नहीं सकते, तो रद्द कर देगा पीठासीन अधिकारी। तो इस बात को ध्यान रख लेना, लोक महत्व के किसी भी मामले में पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही बहस हो सकती है, बहस उसके बाद ही हो सकती है। शून्यकाल में लालू हमेशा खड़ा हो जाता था, ठीक है भाई लालू यादव।
ठीक है, उनकी भाषा शैली बड़ी शानदार है, मतलब बोलते हैं तो अच्छा ही बोलते हैं, मतलब स्माइल तो आई जाती है फेस पे। चलो कोई बात नहीं, राजनीति की बातें नहीं करेंगे, पॉलिटी समझ रहे हैं, तो परीक्षा क्लियर करो यार। वैसे तो इतने सारे मुद्दे हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग विचार हो सकते हैं, और असहमति का अधिकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है बेसिकली। आप मेरे पक्ष से असहमत हो सकते हो, मैं आपके पक्ष से असहमत हो सकती हूँ, लेकिन परीक्षा में क्या करना है, हमें कोई ऐसी अतिवादी बात लिखनी नहीं है जिससे परीक्षक असहमत हो जाए, इस बात का भी ख्याल रखना है। ये नहीं है कि अरे लोकतंत्र का आधार है असहमति, हम तो परीक्षा में वो लिखेंगे जो हमारा मन करे, भले ही जो चेक करने वाला है, मान लो परीक्षक है, हमारी बात से असहमत हो जाए, तो ऐसी कोई असहमति वाली बात वहां मत लिख देना, वहां पे कुछ नहीं, पक्ष विपक्ष बड़ी आसान निष्कर्ष, दैट्स इट, ठीक है। वरना वो अगर असहमत हो गया ना, तो फिर सपना सपना ही रह जाएगा। तो इसलिए अतिवादिता आंसर में मत दिखाना कभी भी, वहां पे हमें बैलेंस बना के चलना है। पक्ष लिखा, विपक्ष लिखा, बढ़िया सा निष्कर्ष लिखा, भले ही हम उस निष्कर्ष के अपोजिट सोचते हैं। ये कला सिखाऊंगी मेंस में, अभी पीटी पे फोकस करो, ठीक है। प्रस्ताव यानी ये समझ गए आप, उनकी स्वीकृति के बाद ही बहस होगी। विभिन्न विषयों पर सदन अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करके देता है। विभिन्न विषयों पे जो भी सदन होगा वो अपना मत या निर्णय कैसे देगा, मान लो कोई मंत्री या गैर सरकारी सदस्य, यानी मंत्री गैर सरकारी सदस्य बता चुकी हूँ, कोई भी MP कोई प्रस्ताव लाया है तो उसको स्वीकृत या अस्वीकृत करेगा, इतना ही इंपॉर्टेंट है प्रस्ताव में। बाकी मत जाना, कुछ महत्वपूर्ण तीन तरीके के प्रस्ताव होते हैं, मत उलझना इसमें। एक होता है महत्वपूर्ण प्रस्ताव, इंपॉर्टेंट प्रस्ताव, यह स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव होते हैं जिनके खिलाफ, जिनके तहत बहुत महत्वपूर्ण मामले आते हैं, जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, तो ऐसे प्रस्ताव लाए जाएंगे, इनको महत्वपूर्ण प्रस्ताव कहेंगे। एक स्थानापन्न प्रस्ताव होता है जो मूल प्रस्ताव का स्थान ले लेता है, ये मत उलझना इसमें, ठीक है। एक पूरक प्रस्ताव होते हैं, ऐसा प्रस्ताव जिसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता, इसे सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक मूल प्रस्ताव का संदर्भ ना हो, ठीक है। तो प्रस्ताव में इतना उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें याद भी नहीं होती इतनी चीजें, बस जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूं। प्रश्नकाल समझ लिया, शून्यकाल ये लिखने के लिए लिख दिया गया है, देख लेना। तीन, महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है स्थानापन्न, जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है, ठीक है, और जब इसे स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है, गोल गोल घूमना है, फालतू की चीजें हैं, क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से, तो इसलिए ज्यादा उलझना नहीं है यहाँ पे, समझ गए। फटाफट थम्स अप दे दो। और फिर इनकी भी तीन सहायक, एक सहायक प्रस्ताव होता है, एक स्थान लेने वाला प्रस्ताव, संशोधन, कोई जरूरत नहीं है इसको याद करने की, हर चीज नहीं पढ़ी जाती IAS के एग्जाम में, समझ गए, ठीक है। कटौती प्रस्ताव, विशेष अधिकार, ध्यान आकर्षण, स्थगन, ऐसा करती हूँ आज की क्लास यही रखती हूँ। सारे प्रस्ताव जो इम्पोर्टेंट है वो समझेंगे, जो जरूरी नहीं है उनको समझने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर अभी दो चार और प्रस्ताव कर ही लेते हैं, कर लें एक बार, फटाफट थम्स अप दे दो, अभी दो चार और पढ़ लेते हैं ना, कल फिर क्वेश्चन भी करेंगे तो लंबी क्लास हो जाएगी कल वाली। फटाफट, ठीक है। कटौती प्रस्ताव क्या होता है, इसमें भी आपको दो तीन चीजें ही ध्यान रखनी है। यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है, मान लो कोई वाद विवाद चल रहा है, उसको समाप्त करने के लिए, यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद विवाद को रोककर फिर उसे मतदान के लिए रखा जाएगा, बेसिकली कटौती प्रस्ताव होता है। इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, साधारण कटौती याद रखने की जरूरत नहीं है, घटकों में कटौती याद रखने की जरूरत नहीं है, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगी। जो बजट में कटौती प्रस्ताव होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगी, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो चीजें, एक होती है कंगारू कटौती, आप लोगों से पूछ लेगा क्या होती है जी कंगारू कटौती, एक होता है गिलोटिन प्रस्ताव, ये दो चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। कटौती प्रस्ताव समझ गए, इस प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है, और जब प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो वाद विवाद को रोककर मतदान के लिए उसको रखा जाता है, मतलब पूरी जो वार्ता होगी उस पर चर्चा होगी, वाद विवाद होगा।
कंगारू कटौती में क्या होता है ये ध्यान रख लेना, इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होगी। यानी मान लो ये पूरा विधेयक है, ये विधेयक है, ध्यान से सुनना, इस विधेयक में बस ये पक्ष इंपोर्टेंट था, ये पक्ष इंपोर्टेंट था, ये पक्ष इंपोर्टेंट था, तो कंगारू कटौती में केवल महत्वपूर्ण खंडों पे ही चर्चा होती है, बहस होती है, मतदान होता है, शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है, शेष खंडों पे चर्चा नहीं होती, उन्हें पारित मान लिया जाता है। कंगारू कटौती समझ गए, यानी केवल इंपोर्टेंट विषयों पे ही चर्चा होगी। दूसरा, गिलोटीन प्रस्ताव क्या होता है, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती, मान लो ये विधेयक है, दूसरा एग्जाम्पल मान लो ये विधेयक है, इस पर इसपे चर्चा ही नहीं हुई, कोई किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हुई, तो मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। गिलोटीन का मतलब क्या होता है, एक साथ सारे प्रस्तावों को रखो और पास कर दो, बिना चर्चा किए भी एक तरीके से पास कर दिया जाता है। तो कंगारू कटौती और गिलोटीन कटौती, ये चीजें ध्यान रखना। बेसिकली कटौती प्रस्ताव जब हम बजट वाले पढ़ते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कंगारू कटौती में महत्वपूर्ण खंडों पे चर्चा होती है, और गिलोटीन प्रस्ताव में जब उसके संकल्प या विधेयक पे चर्चा नहीं होती तो मतदान के से पहले इस प्रकार का प्रस्ताव रखा है, रखा जाता है कि जी भाई गिलोटीन मतलब सारों को इकट्ठा करके, भले ही चर्चा नहीं हुई, फटाफट इसको पारित कर दो, गिलोटीन, ठीक है। अब होता है विशेष अधिकार प्रस्ताव। गिलोटीन प्रस्ताव तक समझ गए, बाकी ये कोई देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बता रही हूं उतना ही पढ़ना दोस्तों, पढ़ने के लिए सारा जहान पढ़ा है, इंपॉर्टेंट क्या है परीक्षा में वो काम है हमारा बताना। विशेष अधिकार प्रस्ताव क्या होते हैं ये ठीक है, यह किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेष अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित होता है। मान लो कोई मंत्री संसदीय विशेष अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हो, यह किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। पहली बात, यह विशेष अधिकार कौन पेश करेगा, कोई सदस्य पेश करेगा। जब सदस्य यह महसूस करता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया, मंत्री द्वारा सही तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया, या गलत सूचना देकर मंत्री जी ने सदन या सदन के एक से अधिक सदस्यों के विशेष अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो ये विशेष अधिकार प्रस्ताव पारित होता है। यानी कि विशेष अधिकार प्रस्ताव सदस्य द्वारा पारित किया जाएगा। जब सदस्य को ये लगेगा कि मंत्री जी ने किसी कार्य के माध्यम से या सही तथ्यों को प्रकट ना करके हमारे विशेष अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो ये विशेष अधिकार प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और इसका उद्देश्य, इस विशेष अधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, मंत्री की निंदा करना होता है, ठीक है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यहाँ आज खत्म करते हैं, कल से ध्यान आकर्षण स्थगन, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत डीपली क्वेश्चन बनते हैं, इसको कल हम देखेंगे, ध्यान आकर्षण को कल हम देखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ये सारे प्रस्ताव के साथ ही हम कल की क्लास में विधायी प्रक्रिया कैसे होती है पूरी विधायी प्रक्रिया समझेंगे, बजट बजट सारा समझेंगे, दो तीन दिन और लगेंगे, उसके बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ना वहां आपको डाउट नहीं होंगे, ठीक है। लंच टाइम भाई साहब, मतलब भूखड़ प्रवृत्ति के जो स्टूडेंट हैं बैठे हुए, कोई बात नहीं यार, खाना भी जरूरी है। ये मैं वैसे बोल देती हूँ कि एक दिन मैं स्पेशल क्लास में बिना ब्रेकफास्ट किए गलती से चली गई, और मैं तो खा भी नहीं सकती हूँ, है ना, आप तो खा भी सकते हो, तो स्पेशल क्लास होती है मेरी 9:45 पे सुबह, मैं बिना ब्रेकफास्ट के चली गई, एक घंटा पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, मतलब समझ सकते हो, मतलब मैं आप लोगों का दर्द समझ सकती हूँ। खा लो खाना आराम से, खाना भी जरूरी है। पहले ये देख लो, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, unacademy_lalita_kumari दोस्तों, यहाँ पे जुड़ सकते हो, मेरी सारी क्लासेस, चाहे वो स्पेशल पे हो, यूट्यूब पे हो, और जल्दी ही मैं प्लस पे आने वाली हूँ, ठीक है, प्लस क्लास हो तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हो, मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस एक आग्रह करती हूँ, एक एहसान कर देना, सलमान खान का एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना, ऐसा ही नहीं बोलूंगी मैं, एक एहसान कर देना कि जो पढ़ा रही हूँ उसको साथ साथ रिवाइज करते चलो, चाहे MCQ आप मेरे कर रहे हो स्पेशल पे, उनको साथ साथ रिवाइज करो इस क्लास को, दोस्तों यकीन मानो सिंगल क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ठीक है।
और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे हैं। मैम अगर पार्लियामेंट चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है अभिषेक, एकदम सही। आर्टिकल 32, अभिषेक का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे ये बोल रहे हैं 5 रिट होती हैं, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट दायर कर सकता है, जो हाई कोर्ट है 226 के तहत रिट दायर कर सकता है। यदि संसद चाहे तो अन्य कोर्ट्स को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, लेकिन अभी तक केवल सुप्रीम और हाई कोर्ट ही रिट दायर कर सकती हैं, दूसरी कोर्ट को अभी तक ऐसा अधिकार नहीं दिया है। और जिसको इस रिट में दिक्कत आती है ना, आरंभ सीरीज में ही आर्टिकल 32 की एक अलग से क्लास करवाई हुई है, वो आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मेरा टेलीग्राम देख लिया, और मैं यहाँ पे बता दूं कि मेरा कोड है ललिता वाईटी, मेरा कोड है ललिता वाईटी, LALITA ललिता वाईटी। बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है 12 मई तक। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं GS प्लस ऑप्शनल का, तो आपको 25% 10% ऑफ मिलेगा। यूज करना है ललिता वाईटी कोड। यदि आप मेरे कोड के साथ आओगे तो आपके सिलेक्शन तक मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलेगा। भले ही वो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं, एक मार्गदर्शक आपके अनअकैडमी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन मेरा मार्गदर्शन, यदि आप मेरा कोड इस्तेमाल करके आते हैं ललिता वाईटी, तो मेरा मार्गदर्शन आपके सिलेक्शन तक आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। और ये जंग भी जीत लेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल 9:45 पे स्पेशल पे, 11:45 पे यहीं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।